विश्वास का सूचक था कि जो कुछ भी हो रहा है होता रहे, मंदिर तो बनेगा ही। दिग्विजय जी कुछ ना कुछ बेहूदा बोलते रहते, मेरे स्वभाव में ये शब्द नहीं। उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ लोग बीमार हुए हैं ये शास्त्र का उल्लंघन करने के लिए। और मैंने तो अखबार में पढ़ा है कि सोनिया जी भी अस्पताल में हैं, उनको पता नहीं होगा। इसलिए दिग्विजय जी के आरोपों का उत्तर मुझे देना इसकी जरूरत नहीं लगती है। आपके दो सवाल थे, एक करके। आपका दूसरा सवाल क्या है? मैं उमा भारती जी को बताऊंगा कि आप आइए, हमने सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की है, हमको प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य की भी चिंता है, उमा जी के स्वास्थ्य की भी चिंता है। नहीं करा, भाजपा के प्रमुख को भी नहीं किया। मैंने बयान पढ़ा था कि जिस समय गोविंद देव जी यहाँ पधारे थे तो उन्होंने कहा कि सब मुख्यमंत्रियों को बुलाएंगे। अब सब मुख्यमंत्री बुलाते तो राज्यपाल भी बुलाते, तो 150 में से 80 वही हो जाते। तो हमने सब राजनीतिक दलों को बाहर रखा है। हमारा पूरा ध्यान इस समय इस बड़े काम को पूरा करने के लिए है जिसके लिए 492 साल से लड़ रहे थे। राम मंदिर पूरा हो, रामत्व का विकास हो, हमारा पूरा ध्यान इस काम में है। मैं जो उत्तर देना था आपको दिया, हमारा पूरा ध्यान राम के मंदिर और रामत्व के विकास की ओर है। बहुत धन्यवाद। बता दें, भूमि पूजन से पहले यहाँ पर VHP की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं CM योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर।